न्यूज़ मैं हूँ आपके साथ है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी चुनाव है। अगर देखा जाए तो हिमाचल का पहला चरण परसों यानी कि 12 तारीख को होने वाला है और यहाँ 12 तारीख के लिए तमाम तैयारियां भी नजर आ रही है और देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल की जमीन पर नजर आ रही है, हिमाचल के पहाड़ों पर नजर आ रही है, लेकिन गुजरात से दूर है। अब गुजरात से दूरी का क्या कारण है इसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर बता दें कि हिमाचल को साधने की पूरी कोशिश यहाँ कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। यहाँ बता दें आपको कि अपने मैनिफेस्टो के वादे भी यहाँ पर प्रियंका गांधी करती नजर आई है, लेकिन देखा गया कि प्रियंका गांधी का काफिला आज हिमाचल पहुंचा तो देखा गया वहाँ पर काफी लोग ऐसे नजर आए कि जो प्रियंका गांधी पर नजरें गड़ाए बैठे थे, जिससे कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यहाँ लगातार हिमाचल में अपने दौरे कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और साथ में उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी साथ देने आ रहे हैं, लेकिन क्या इतनी मेहनत करने के बाद क्या प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश को जीत कर ले जा पाएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शायद इससे भी ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये सब ने देखा। देखिए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है, अब यहाँ पर किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो सारी ज़रूरतें प्रियंका गांधी पूरी कर पाएंगी या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ प्रियंका गांधी जिस लिहाज से मेहनत कर रही है, क्या इस बार ले जाएंगी हिमाचल को, क्या इस बार ले जाएंगी गुजरात को, बहुत ज़रूरी है ये देखना। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।